हनुमान जयंती भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार है, जिस दिन शक्ति, भक्ति, बल एवं बुद्धि के स्वरूप भगवान श्री हनुमान जी का पृथ्वी पर जन्म हुआ था। हनुमान जयंती के दिन भक्त, श्रद्धालु धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान, रामायण एवं सुंदर पाठ इत्यादि का आयोजन करते हैं। दोस्तों, कहा गया हमारे हिंदू धर्म में और प्राचीन ग्रंथों में भी यही पाया गया है कि हनुमान जी महाराज भगवान शिव जी के 11वें अवतार थे, जिनकी भक्ति करने से हमारे जीवन में आने वाले समस्त कष्ट परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन माना गया है और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि प्रत्येक मंगलवार को अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर ले या हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तो मान के चलिए उसको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार हनुमान जयंती 6 अप्रैल 2023 को पड़ रही है। दोस्तों बता दें, यह हनुमान जयंती बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। धर्मशास्त्र में अगर देखें तो उसमें यह पाया जा रहा है कि इस बार की हनुमान जयंती पर 22 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 22 योग हैं। और यह जो हनुमान जयंती का दिन आया है यह पूरे 16 साल बाद आया, मतलब 16 साल बाद एक ऐसी हनुमान जयंती का दिन आया है जिस दिन की गई थोड़ी सी भी पूजा आपके जन जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याओं को जड़ से नष्ट कर सकती है। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य में वृद्धि भी हो सकती है अगर आप हनुमान जयंती के दिन उन सरल से उपायों को कर लेते हैं जिनके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है, लेकिन अगर हनुमान जयंती के दिन आप सही जगह पर सही मुहूर्त पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इसका हमारे धर्मशास्त्र में एक विशेष महत्व बताया गया है। मान के चलिए दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा का पाठ ही कर ले तो माना जाता है उस व्यक्ति के जीवन से समस्त प्रकार के जो दुख होते हैं वह दूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर साक्षात आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन सरल उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस हनुमान जयंती को, मतलब 6 अप्रैल 2023 को अगर अपने जीवन का 2 या 4 मिनट निकाल करके आप कर लेते हैं तो मान के चलिए साक्षात आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आप परेशानी से परेशान हैं, किसी भी प्रकार के दुख ने आपको घेर रखा है, किसी भी प्रकार के रोग ने आपको ग्रसित कर दिया है तो दोस्तों इन प्रकार की समस्त दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपका बंद पड़ा व्यापार एकदम चल जाएगा, आपके जीवन में चारों ओर से धन खिंचा हुआ चलाएगा और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे इस हनुमान जयंती के बाद उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही है कि बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होती कि उनके जीवन में जो दुख होता है, परेशानी होती है, उसकी मुख्य वजह यह होती है कि उनका मंगल बहुत ही कमजोर होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ साल में एक दिन हनुमान जयंती के दिन थोड़े से भी उपाय कर लें तो मान के चलिए पूरे साल आपका मंगल बहुत ही मजबूत रहता है। कहने का मतलब यह है कि इस हनुमान जयंती के दिन आपने धर्मशास्त्र के हिसाब से थोड़े से वह उपाय कर लिए जो आपको हम इस वीडियो में एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए एक तरफ जहां आपका मंगल मजबूत हो जाएगा, आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपके तारे आपके ग्रह आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे और आप अपने जीवन में हर कामयाबी को हासिल कर लेंगे। इसीलिए आप भी अगर चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही कामयाब हों, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप भी हनुमान जी के परम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंगबली। और एक काम कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जिससे आपको कोई फ़ायदा पहुँच सके वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अपनी राशि डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में और दोस्तों वीडियो लाइक करना भूलिएगा मत। तो दोस्तों हम आपको उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जो बहुत ही आसान से बहुत ही सरल से उपाय हैं और हनुमान जयंती का यह दिन तो आया है 16 साल बाद। देखिए दोस्तों, हनुमान जयंती हर साल पड़ती है और हर साल जो हनुमान जयंती पर योग बनते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे पिछले साल जो हनुमान जयंती पर योग बने थे वो थे पूरे 11, लेकिन इस बार 22 योग बन रहे हैं, मतलब दुगने योग बन रहे हैं। इस दौरान की गई पूजा, साधना, क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ये जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं इनका एक मुहूर्त है, अगर मुहूर्त पर आपने इन उपायों को कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों आपको अवश्य ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, उनका वरदान आपको मिलेगा और आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। इसीलिए इन उपायों को कहीं कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपसे यह दिन का मौका हाथ से निकले ना। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं वह कौन से उपाय हैं जो आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लेकर के आ सकते हैं, लेकिन आपसे निवेदन था दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है मंगल ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों आप अपने जीवन में
मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप टूट चुके हैं अपने जीवन से कि यार मुझसे कुछ हो नहीं रहा, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो दोस्तों, इन सब की जो मेन वजह होती है वह होती है कि आपका मंगल ग्रह बहुत कमज़ोर है, और मंगल ग्रह के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। तो आपको बस यही करना है जो हम आपको बताने रहे हैं। आपके घर के पास कोई हनुमान मंदिर तो होगा ही होगा। आपको सुबह नहाना है, धोना है, लाल वस्त्र के धारण कर लीजिएगा, चमेली का तेल ले लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चमेली का तेल ले लीजिए, उसको किसी भी मिट्टी के दिए में रख लीजिए, चमेली का तेल ले लीजिए और पीला सिंदूर दाहिने हाथ में ले लीजिए। ये लेकर के किसी भी हनुमान मंदिर चले जाइए, आपको सिंदूर में तेल मिलाना है और तेल मिला करके हनुमान जी को इसको लगाना है। जो हनुमान जी की प्रतिमा है हनुमान मंदिर में, वहाँ पर आपको इसी तेल और सिंदूर का प्रतिमा पर लेप लगाना है। तेल और सिंदूर लगाने के बाद आपको वहीं पर खड़े खड़े 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इतना ही उपाय इस हनुमान जयंती के दिन कर लिया दोस्तों, तो इतना करने भर से आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, यह ऐसा उपाय है जो हर व्यक्ति अवश्य ही करता है हनुमान जयंती के दिन, और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। होता क्या है दोस्तों कि आप लोग अगर साधारण से जीवन जी भी रहे हैं तो आपके अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार जो होते हैं वो आपसे जलने लग जाते हैं, आपके घर पर काला जादू बंधन तंत्र विद्या करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत एकदम ही ठप पड़ जाती है। लेकिन अब आप परेशान मत हो, हनुमान जी का आशीर्वाद जिस घर पर भी पड़ जाता है दोस्तों, उस घर पर काल भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आपको बस यही करना है कि किसी भी हनुमान मंदिर जाना है, सरसों के तेल को ले लेना है, लाल सिंदूर ले लेना है, हनुमान जी को उसका लेप लगा देना है, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और घर पर आकर के उसी लाल सिंदूर से घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ आप लोगों को स्वास्तिक का निशान बना देना है। यही उपाय अगर आपने इस हनुमान जयंती को कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए पूरे साल आपके घर पर काला जादू बंधन तंत्र विद्या का असर नहीं होगा, और मान लीजिए आपके घर पर किसी ने असर करवाया भी था, वह तुरंत ही उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तीसरा उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह एक ऐसा उपाय है जिससे रोग मुक्ति आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आपके घर पर कोई व्यक्ति बीमार है जिसका इलाज करा करा के आप थक गए हैं, परंतु आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा, आप बहुत परेशान हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर के कि आप क्या करें। तो दोस्तों, आप परेशान मत हो, जो हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं यह उपाय अवश्य ही कर लीजिएगा। जो भी व्यक्ति बीमार है उसके हाथों से 11 रोटी किसी भी काले कुत्ते को इसी हनुमान जयंती के दिन खिलवा दीजिए। अगर वह व्यक्ति सिर्फ हनुमान जयंती के दिन 11 रोटी किसी भी काले कुत्ते को खिला देता है, मान के चलिए दोस्तों उस व्यक्ति के ऊपर जो भी रोग था जिस वजह से वो बहुत परेशान था, इस हनुमान जयंती के बाद हनुमान जी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चौथा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इसी हनुमान जयंती के दिन आपको बस यह करना है कि एक हनुमान चालीसा की ग्रंथ खरीद कर लानी है, पुस्तक खरीद कर के लानी है, और इसी हनुमान चालीसा की ग्रंथ को आपको लाल कपड़े में बांध करके अपने पूजा घर पर स्थापित कर देना है। प्रत्येक मंगलवार को इसी हनुमान चालीसा के ग्रंथ की थोड़ी सी अगर आप पूजा कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपका दुर्भाग्य हमेशा आपसे दूर रहेगा, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो जाएंगे। अब यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। यह उपाय अगर आपने कर लिया दोस्तों तो मान के चलिए इस हनुमान जयंती के बाद आपके जीवन में धन खींचा हुआ चारों दिशा से चलाएगा। इसी हनुमान जयंती के दिन आपको 11 रोटी में हल्का हल्का सा गुड़ रख देना है और घर के पास किसी भी लाल गाय को ढूंढिए, उस लाल गाय को आपको यही 11 रोटी में जो गुड़ आपने रखा है उसको खिला देना है। इतना अगर आपने कर दिया तो हनुमान जी का तो आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस गाय में 33 कोटि देवी देवताओं की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में धन खींचा हुआ चुंबक की तरह चलाएगा। दोस्तों, आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने किया तो मान के चलिए दोस्तों आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। कई लोग जो होते हैं दोस्तों, उनके व्यापार को लोगों की नज़र लग जाती है जिसकी वजह से उनका व्यापार ठप पड़ जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए, इसी हनुमान जयंती के दिन एक हनुमान चालीसा की किताब को खरीद लीजिए। हनुमान चालीसा की किताब को खरीदने के बाद उसको किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए, जैसे आप जहाँ से भी पैसे का लेन देन करते हैं वहाँ पर रख दीजिए, और मान के चलिए दोस्तों हनुमान जी की असीम कृपा से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जो व्यापार में आपके रौनक आएगी वो आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे निवेदन है कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।